इसमें साहब आपका, आपकी टीम का, स्टाफ का, स्टूडेंट्स का माशाल्लाह शुक्रिया रिजल्ट देने के लिए और यहाँ पे बुलाने के लिए। आई फील प्राउड, प्रिविलेज्ड, ऑनर्ड टू बी हियर एडवर्ड्स कॉलेज में। मैं खुद भी ओल्ड एडवर्डियन 96-97 में। ये ग्रीन कोट पहनने का अपना ही मजा है और जबरदस्त टाइम मैंने यहाँ पे गुजारा है। मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरे टीचर्स, वो सारी यादें यहाँ से वाबस्ता है। आप सब लोगों को पहले तो मुबारकबाद देता हूँ, सारे बच्चों को, स्टूडेंट्स जितने भी हैं एडवर्ड्स कॉलेज में। आपको एडमिशन मिलने पे, आपको यहाँ पे आने में, ग्रीन कोट पहनने में आपको फख्र होना चाहिए। एक बहुत ही बड़ी हिस्ट्री है इस कॉलेज की यहाँ पे और बड़े ज़बरदस्त लोग यहाँ पे पढ़ के गए हैं, बड़े ज़बरदस्त लोग यहाँ पे पढ़ा के गए हैं, बड़े लर्नड लोग यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन करके गए हैं, प्रिंसिपल की ऑफिस को होल्ड करके गए हैं और इस कॉलेज की एक बहुत बड़ी हिस्ट्री है और यहाँ पे आने का अपना ही एक मज़ा है। जिस तरह प्रिंसिपल साहब ने आपको एक छोटा सा लेक्चर दिया कि फोकस रहें, पढ़ें, अपने फ्यूचर को अपने सामने रखें। देखिए आपका गोल क्या है, आपका गोल है समझना जिस मकसद के लिए आप आए। सब आपका प्राइमरी इम्पोर्टेंट सबसे जो है वो कॉलेज में यहाँ पे आके जो डिग्री आप कर रहे हैं, जो लर्निंग आपकी होगी, जो ग्रूमिंग आपकी होगी, वो आपने बिल्कुल फोकस होके करना है। इसके साथ साथ मस्तियाँ, शैतानियाँ, टूर शोर, ये बिल्कुल नॉर्मल है। एडवर्ड्स कॉलेज में ये ना हो तो फिर एडवर्ड्स कॉलेज, वो हमारे ज़माने में कहते थे कि एडवर्ड्स, मैं वैसे हॉस्टल में नहीं था, मैं, मेरे दोस्त सारे हॉस्टल में थे तो उनको मैं रात को पिक करने आता था क्योंकि वो बंक करते थे और LRH के पीछे जो पराठे मिलते थे और चाय रात के 1 बजे, वहाँ पर मैं उनको ले जाता था और सीनियर्स जो वहाँ पर मिलते थे एट टाइम्स उनके पैसे भी देने पड़ते थे क्योंकि ये यार के एक चाव है। आई डोंट नो इफ इट हैपेंस नाउ और नॉट, बट नूर मोहम्मद साहब मुझे याद है हमारे स्टेटिस्टिक्स के बड़े स्ट्रिक्ट लेक्चरर थे और पहले दिन उन्होंने मेरी बड़ी क्लास ली थी, मैं थोड़ा लेट आया था। वो पहले दिन जो उन्होंने मुझे डराया, फिर उनकी क्लास में मुझे आने का मज़ा नहीं करता था, कोशिश होती थी कि मैं उसको स्किप कर दूँ, बंद कर दूँ, कहीं और चला जाऊँ। और इस तरह के बहुत सारे और प्रोफेसर थे। इकोनॉमिक्स का यहाँ पर वैसे बड़ा बोरिंग होता था, मैं पढ़ता इकोनॉमिक्स वो क्लास बिल्कुल मुझसे, वो टाइम एक घंटा नहीं गुजरता था। आई रिमेंबर यहाँ पे प्रिंसिपल साहब से अभी मैं बात कर रहा था क्योंकि मैं घर से आता था, मेरे दोस्त मोस्टली यहाँ पे होते थे, जिस क्लास को मैं बंक करता था या नहीं जाना चाहता था तो मैं अपने दोस्तों को यहाँ पे उठाता था, वो सो रहे होते थे, अक्सर लात मारता था कि और उठो यार, तुम्हें क्लास नहीं जाना, मुझसे बड़े तंग होते थे कि जिस क्लास को तुमने मिस करने आके मैं उनके बेड पे सो जाता था हॉस्टल में और वो जाके मेरी जगह क्लास पे हाजिरी लगाते थे। सो यू नो दीज आर ऑल द गुड थिंग्स। बहुत ही अच्छा टाइम यहाँ पे गुजरा है लेकिन एक चीज़ बड़ी बुनियादी है कि हमने एक लाइन ड्रॉ की थी कि हम जो भी करेंगे इस लाइन को क्रॉस नहीं करेंगे। पढ़ाई हमने अपनी जो हमने करनी थी वो हमारा प्राइमरी बेसिक जो हमारी जिसके लिए हम यहाँ पे आए थे उस पर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया हमने। उसके साथ साथ हमने बड़ा ज़बरदस्त टाइम यहाँ पे गुजारा है। आपसे ये रिक्वेस्ट होगी कि आपका जो प्राइमरी जो इम्पोर्टेंट है, जो कोर आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है यहाँ पे, समझना है आपने, सिर्फ डिग्री नहीं लेनी आपने, आपने डिग्री के साथ आपने नॉलेज लेना है, स्किल लेना है, अच्छे दोस्त बनाने हैं, अच्छी आदतें एक दूसरे से लेनी है, सच का साथ नहीं छोड़ना, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। वो बंदा कामयाब रहता है जो सच बोलता है अंडर एनी सर्कमस्टांसेस। सजा थोड़ी सी हो जाए कोई फर्क नहीं पड़ता लेकिन ये बंदा पता हो कि ये झूठ नहीं बोलता। दूसरी बात यह कि हक और सच के साथ खड़ा होता है। इस मुल्क को आप जैसे लोगों की भी ज़रूरत है, हमारा फ्यूचर है, हम प्रेजेंट हैं, हम कोशिश कर रहे हैं, हम इस मुल्क को इमरान खान की उस पर लीडरशिप में कोशिश कर रहे हैं कि हम उसको उस ट्रैक पे लगा दें जहाँ पे इसको हकीकी मानों में होना चाहिए। और आप हमारा फ्यूचर है, हम जो कर रहे हैं आप लोगों के लिए कर रहे हैं और आपसे पीछे जो हमारी नस्लें आ रही हैं
तो उसके लिए हमें भी जरूरी है और आपको भी कि हम अलाइन रहें और अपने मकसद को और स्कूल की जो 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 इसका जिस जिस मकसद के लिए इसको हासिल किया गया है उसको अचीव करके हम दम लें। हम आने वाले नजर आपने से कोई शायद कल मेरी जगह खड़ा हो, कोई शायद प्रिंसिपल की जगह हो, कोई प्रोफेसर की जगह हो, ये जरूरी नहीं है कि आप प्लान ये करें और ये उसी पे आप चलते हैं। मैं बिजनेसमैन बनना चाहता हूँ, मैं पॉलिटिशियन बन, कोई यही करना चाहता है वो कहीं और पहुंच जाता है, लेकिन आप जहां भी अल्लाह आपको ले जाता है वो आपकी बेहतरी के लिए होता है। और एक और चीज ये है कि अल्लाह आपकी सारी उम्र मदद करता है एज लॉन्ग एज कि आपकी नीयत ठीक हो और आपकी डायरेक्शन ठीक हो और आपका इंटेंट ठीक हो, ये हो कि मैं कहां पहुंचना चाहता हूं। मैं ज्यादा लंबी छोड़ी तकरीर नहीं करूंगा। इन कॉरिडोर्स में मैं 97 के बाद पहली दफा आया, तो यहां पे आके मुझे वो अपने आप में मुझे अपने आप नजर आ रहा कॉलेज के जमाना वो स्ट्रेस फ्री, आपकी जिंदगी का ये सबसे बेहतरीन टाइम है, कोई स्ट्रेस नहीं। एग्जाम का स्ट्रेस होगा वो उस इस वक्त आपको बहुत बड़ा लग रहा होता है, मेरी जगह आप खड़े रहे तो ये सबसे मजे का काम है। पढ़ाई, एग्जाम, क्लास, कभी जाना, कभी यू नो मंग कर देना, कभी दूसरी जगह चले जाना, इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ, लेकिन आप इंजॉय करें इसको, स्ट्रेस ना लें, टेंशन ना लें, अपने आप को डिप्रेशन ना करें, डिप्रेशन में ना जाएं, पढ़ाई दिल से करें, समझे दिल से, समझ ना आए प्रोफेसर सारे जो आपके खड़े हैं आपको समझाने के लिए खड़े हैं तब तक ना उठे जब तक आप समझ ना जाए, क्योंकि इनका मकसद तभी पूरा होगा जब आप समझेंगे। अगर आप नहीं समझेंगे, ये सारा दिन ही सारा साल पढ़ाते रहे और आप ना समझ पाए तो इनकी प्रोफेसरी का इनकी पढ़ाने का कोई फायदा नहीं। और ये होपफुली तंग भी नहीं होंगे ज्यादा सवाल से, हम भी कभी कभार कर देते थे, एक नोटी सा क्वेश्चन कर देते थे, तंग करने वाला कभी नहीं करते थे, लेकिन ये आपकी जिंदगी का सबसे बेहतरीन टाइम है, सबसे मजे वाला टाइम है, स्ट्रेस फ्री है, आप पे कोई टेंशन नहीं है। और प्रिंसिपल साहब आपको थोड़ा सा डरा रहे थे कि बम्पी राइड होगी और ये होगा और वो जब होगा वो होगा, इस वक्त कोई बम्पी राइड नहीं है, इस वक्त शौक है, मस्ती है, पढ़ाई है, जवानी है, एक बड़ा आपका कैरियर आपके सामने है इंशाल्लाह, तो इसको आप एंजॉय करें, एडवर्स कॉलेज को एंजॉय करें, ग्रीन कोर्ट को एंजॉय करें। मैं आपको देखे मैं खुद मेरे में एक्साइटमेंट है कि मैं वो अपना टाइम याद कर रहा हूँ। आप सब लोगों का बहुत शुक्रिया, मैं आपको आई विश यू ऑल द बेस्ट, गुड लक फॉर योर फ्यूचर, कि अल्लाह करे आप तरक्की करें, अल्लाह करे कि आप जो प्लान करें अपने लिए वो आपके लिए, आपके पेरेंट्स के लिए, आपके मुल्क के लिए वाकई वो मुफीद हो, वो बेहतर हो, और अल्लाह आपको कामयाबियाँ दे और अल्लाह हमें तौफीक दे जो हमने वादे किए हैं, जो हमने कमिटमेंट किए हैं लोगों से, जो हमने बड़े बड़े दावे किए हैं या इरादे किए हैं, दावे तो क्या किए, इरादे किए हैं। अल्लाह कामयाबी दे हमें कि हम इस मुल्क को अपने पैरों पर खड़ा होने में अल्लाह हमारी मदद करे, और जो हकीकी आज़ादी जो हमारा कप्तान हमें लेक्चर देता है अल्लाह करे कि वो हम हासिल करके रहें, ताकि आप जैसे लोगों को और बच्चों को कल के लिए और आज के लिए आसानी हो। आप सब लोगों का शुक्रिया।